नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू शिमला मिर्च की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, वो भी घर के रेगुलर मसालों से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी को हम बनाने के लिए कढ़ाई में डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है तो यहाँ डाल देंगे हमने यहाँ 4 मीडियम साइज की शिमला मिर्च थी, जिनको इस तरह से काटा है, ना ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा। तो पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें अपनी शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का सा फ्राई करना है, यही 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ। बस ये सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, बस फ्राई हो जाए, हल्का सा क्रंचीपन रहना चाहिए जब भी सब्जी में स्वाद आएगा। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च फ्राई हो गई, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम अपने आलू को फ्राई कर लेंगे। जो 4 आलू लिए हैं हमने, उनको धोकर काट लिया है, तो आलू को भी डाल देते हैं। अब इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। ये देखिए हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा 1 चम्मच में भी तेल बच गया है, थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया तो डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और डाल देंगे थोड़ी सी हींग। यहाँ हमारा जीरा भुन गया है तो डाल देंगे, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक काटा है। अब प्याज को भून लेंगे हम। यहाँ देखिए हमारी प्याज भुन गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच भर के डालेंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी भून लेंगे। यहाँ हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन गया है, तो अब हम डाल देंगे 2 टमाटर जो मीडियम साइज के थे, उनको मिक्स कर देंगे। इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, जिस नमक हम पहले डाल देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बाकी टमाटर मसाले में सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। यहाँ डाल रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही डाली हूँ सब्जी मसाला। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, ना हो तो इसके बिना भी बना सकते हैं आप। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। इस मसाले को हम लगातार चलाएंगे, जो भी टमाटर है वो इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लगातार चलाते हुए हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भून गया। बस इसी तरह का हमें मसाला चाहिए भुनने सब्जी के लिए। बस इसमें डाल देंगे हम 1/2 ग्लास के करीब पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और पानी में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। यहाँ देखिए हमारे पानी में अच्छा सा उबाल आ गया। बस इसी समय डाल देंगे आलू और शिमला मिर्च को डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे।
और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट, बस हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमारी सब्जी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी शानदार बनी है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे अब, और डाल देंगे इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला और इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारी आलू शिमला मिर्च की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं, करके दिखाते हैं। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है, बिना कोई ज़्यादा मसालों के भी ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो जब भी आप शिमला मिर्च की सब्जी बना रहे हैं तो इस सब्जी को आप जरूर ट्राई करें। ये देखिए हमारी सब्जी, ये देखिए हमारी आलू शिमला मिर्च की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है।